हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईटी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अमेजोन पे SEO फ्रेंडली लिस्टिंग कैसे कर सकते हो। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको अमेजोन पे लिस्टिंग करना बताया गया है, लेकिन किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं बताया गया कि आपको SEO फ्रेंडली लिस्टिंग कैसे करनी है। बहुत सारे जो नए सेलर हैं वो लिस्टिंग तो कर देते हैं अपने प्रोडक्ट की अमेजोन सेलर पैनल पर, लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं आते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको SEO फ्रेंडली लिस्टिंग कैसे करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ों को आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री के अंदर आ जाना है, उसके बाद मैनेज इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ऐड ए प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे एक और नया इंटरफेस खुल के आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली ऐड ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है जो आपका प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे स्पीकर को मैं लिस्ट कर रहा हूँ तो स्पीकर सर्च करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है सेलेक्ट पे, तो मैं यहाँ पे पहले वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पीकर से रिलेटेड यहाँ पे पूरा का पूरा ये आ चुका है। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स की डिटेल को अब भरेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ इसमें आती है वो है, अगर आपके पास प्रोडक्ट आईडी है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट आईडी, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। और अगर आपके पास GTN नंबर है इसका, तो आप GTN को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको GTN नंबर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से आराम से GTN नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास GTN नंबर है इस प्रोडक्ट का तो आप GTN नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का टाइटल डालना होता है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का टाइटल डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का टाइटल डाल दिया है। आपको इसी तरीके से प्रोडक्ट का टाइटल डालना है। और उसके बाद नीचे सबसे नीचे इसके नीचे आपको ब्रांड नेम पूछता है ये, तो अगर आपके पास ब्रांड नेम है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ए ब्रांड नेम, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली जेनरिक ही ले लेगा। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर डालना है इस यहाँ पे आपको, तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर का नाम डाल देता हूँ, जो कि इसका मैन्युफैक्चर है उसका नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे नंबर्स ऑफ आइटम्स को यहाँ पे 1 कर दूंगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट काउंट्स, तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, मोर एट्रीब्यूट्स को आपको ऑन कर लेना है, इससे आपको और ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे और अच्छी तरीके से SEO हो पाएगा प्रोडक्ट का, और ज़्यादा डिटेल्स को आप भर पाओगे। जितने ज़्यादा डिटेल्स को आप भरोगे उतने ज़्यादा प्रोडक्ट आपका रैंक होगा। यहाँ पे मैंने और काउंट्स को डाल दिया यहाँ पे, और यूनिट्स काउंट भी 1 कर दिया है। उसके बाद मॉडल नेम यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हो मॉडल नेम। और उसके बाद वारंटी डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, मेरा जो प्रोडक्ट है इसकी कोई वारंटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो वारंटी डाल देता हूँ। उसके बाद बॉक्स कंटेंट में मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी बॉक्स के अंदर कंटेंट है, तो यहाँ पे मैं जो बॉक्स के अंदर कंटेंट है वो डाल देता हूँ। उसके बाद कोई कंटेंट नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद है स्पीकर एम्पलीफायर, तो मैं यहाँ पे एक्टिव कर देता हूँ। और उसके बाद स्पीकर टाइप पूछ रहा है, बेसिकली मैं स्पीकर लिस्ट कर रहा हूँ, तो स्पीकर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस ये पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑफर्स वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हमें डालना होता है SKU नंबर, SKU नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट टैग कोड आपको डालना होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको योर प्राइस, आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो डालना होता है आपको, तो मैंने यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लिस्ट प्राइस में भी आप सेम प्राइस को डाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, कितनी क्वांटिटी ये प्रोडक्ट अभी आपके पास है वो आपको सेलेक्ट करना है। आइटम की कंडीशन न्यू है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो, एक बार में कस्टमर कितने प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। हैंडलिंग टाइम यहाँ पे इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर के बाद यहाँ पे हैंडलिंग टाइम 1 डे डाल देता हूँ। आप चाहो अपने हिसाब से डाल सकते हो हैंडलिंग टाइम, 1, 2, 3 दिन, जितने दिन डालना चाहते हो। मैं 1 डे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे ओरिजिन प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है वो पूछ रहा था, मैं उसको यहाँ पे डाल लेता हूँ। SSN कोड आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, प्रोडक्ट का नाम डाल के उसके आगे SSN कोड ला के आपको SSN कोड मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैं 999 कर देता हूँ। उसके बाद आई विल शिप द आइटम माई सेल्फ यहाँ पे क्लिक करना है आपको। कंप्लायंस में कुछ नहीं भरना है आपको, इमेजेस में आ जाइए, आपको सिंपली जो आपके प्रोडक्ट की इमेजेस है उनको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आपको भी सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट की जो इमेजेस है वो यहाँ पे अपलोड करना है। और ध्यान रहे किसी दूसरे की इमेजेस को अगर आप यूज़ करते हैं
तो उसका ट्रेडमार्क या लोगो आपकी इमेज पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे रिलेटेड आपको स्ट्राइक आ सकती है और आपकी जो लिस्टिंग है वो हटाई जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो डालना है। फिर उसके बाद बुलेट्स पॉइंट्स आपको डालने हैं, जो बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं वो सारे बुलेट पॉइंट डालने हैं। फिर उसके बाद कीवर्ड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे ही आपके प्रोडक्ट रैंक होते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले अमेजोन पे जाना है, उस प्रोडक्ट को सर्च मारना है। जैसे मैंने अमेजोन पे जाके अमेजोन का जो बायर पोर्टल है वहाँ पे स्पीकर सर्च मारा और उसके बाद मैंने सारे जो यहाँ पे हैं वो कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। आपको भी इसी तरीके से करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट एग्जेम्पशन, यहाँ पे प्लान आइटम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स जो आपको फिल कर देनी है, जैसे प्रोडक्ट की डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारी चीज़ें फिल कर देनी है और इनको सेलेक्ट कर लेना है कि आपने डायमेंशन किस में सेलेक्ट करी है। तो मैंने सेंटीमीटर में करी है, तो मैं सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटीमीटर सेलेक्ट हो चुका है। एक बार जब आप इन चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हो, फिर उसके बाद आपको सिंपली नीचे इसको स्क्रॉल करना है और आइटम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं और लेंथ ब्रेथ हाइट से रिलेटेड वो सब आपको भर देना है। जिन भी कॉलम्स के आगे आपको स्टार का मार्क दिखे वो मैंडेटरी हैं भरने, बाकी आप सभी को छोड़ सकते हो जो मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का वेट जो है वो ग्राम्स में डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको 300 ग्राम कर देता हूँ। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि जो जो कॉलम्स हैं जिनके आगे स्टार का मार्क है उनको ही आपको भरना ज़रूरी होता है, बाकी आप छोड़ सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप भरना चाहो तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे आपके प्रोडक्ट और ज़्यादा रैंक होता है। अगर आप नहीं भरना चाहो तो इन्हें छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। लेकिन अगर आप भरते हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड फिनिश पे क्लिक करते हो, उसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ये योर अपडेट्स हैज़ बीन सबमिटेड और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट सबमिट हो चुका है। उसके बाद अगर आप इसको जाके चेक करते हो तो यहाँ पे ये लिस्टिंग हो चुकी है। आपको सिंपली इन्वेंट्री के ऑप्शन के अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री के ऑप्शन के अंदर मैनेज इन्वेंट्री में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्टिव हो चुका है, लाइव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से लिस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है आपकी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।